बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव उनके आपके साथ में आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अब यह कि भाई सऊदी अरब में गर्मी बहुत चल रही है यार, गर्मी के महीने हैं, हर शहर में बहुत गर्मी है यार। तो बात कर लेते हैं आज की न्यूज के ऊपर। सऊदी अरब में जैसा कि बहुत ज्यादा सख्ती कर दी गई है, अभी भाई सख्त किस्म की चेकिंग चल रही है। आप हजूर साथ में कुछ न्यूज इसके मुतल्लक मुकम्मल तफसील से शेयर भी कर चुका हूं, खासकर इकामा एक्सपायर वाले बंदों के ऊपर। अच्छा, यहां पर भाई अभी जिजान वाले एरिए में मैं मौजूद हूं, तो यहां पर अभी कुछ बंदों को गिरफ्तार किया गया है और एक गाड़ी पकड़ी गई है। मैं आपके साथ यहां पर वो वीडियो भी आपको चलाकर दिखा रखा हूं। वजारत दाखिलिया की तरफ से भाई ये वीडियो स्नैपचैट के ऊपर नशर की गई है, आप भाई यहां पर वो वीडियो भी देखते जाएं और इसके मुतल्लक मैं आपको बताता भी जाऊंगा भाई हुआ क्या है। बॉर्डर सिक्योरिटी जो, यानी कि बॉर्डर से कोई भी ऐसा बंदा अगर सऊदी अरब में घुसता है जिसके पास यानी कि कोई किसी किस्म के कागजात वगैरह ना हो, आपको पता है चोरी से वही आता है, तो अगर वो बंदा पकड़ा गया तो आपको पता ही 10 लाख रियाल तक का जुर्माना और 15 साल तक की कैद है उन बंदों को जो बॉर्डर एरियाज की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े गए। कुछ बंदे इसके मुतालिक आपको ये झूठ बोल रहे थे कि बार जिनके इकामे एक्सपायर हैं वो भी जुमरे में आते हैं। मुकम्मल डिटेल के साथ मैं एक वीडियो शेयर कर चुका हूं, यहां पर शायद मैं उसका थंबनेल आपको दिखा रहा हूं, वो आप भाई देख भी सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है कि क्या इकामा एक्सपायर वाले बंदे जुमरे में आते हैं कि नहीं आते हैं। अभी बात कर लेते हैं न्यूज की। यहां पर आप उसी वीडियो में देख सकते हैं कि एक गाड़ी फिर इन लोगों ने रोकी है, टोटा वालों की लैंड क्रूजर जो ब्राउन कलर की होती है उसके देख लें साइडों से जो पीछे टायर लगा हुआ है उस टायर के अंदर से भी ये लोग भाई मंशियात निकाल रहे हैं, यानी कि उसमें भाई चेस भी हो सकती थी, गद्दा वगैरह या कुछ भी ऐसी मंशियात के मुतल्लक ड्रग्स के मुतल्लक वैरायटी ये बंदा लेकर सऊदी अरब में जो रखा था, तो इसको पकड़ लिया गया है। पीछे वाले टायर के अंदर भी इस बंदे ने घुसाई हुई थी ये वैरायटी, तो देखने कैसे निकाली जा रही है। तो इसके अलावा यहाँ कुछ बंदे इसी वीडियो में आपने पहले भी देखे होंगे जिनको वो पकड़कर गाड़ी में बैठा रखी है, वो तमाम तर बंदे जो भाई बॉर्डर एरिया से सऊदी अरब में घुसे हैं। अच्छा, इकामा एक्सपायर वालों के मुतल्लक मैंने आपको बता दिया, वो आप मेरी न्यूज मुकम्मल तफसील के साथ देख भी सकते हैं, लेकिन इकामा एक्सपायर वाले बंदे भाई इतने ज्यादा खौफ में मुबतला ना हो। हाँ, आप अपना इकामा जरूर लगवाइए, ये अनलीगल है, लेकिन इतना ज्यादा खौफ मत कीजिएगा जैसा कि आप कोई किसी किस्म की चोरी कर रहे हैं या आपने कोई खुदा ना खवास्ता कोई किसी किस्म की 2 नंबरी का यानी कि कोई बॉर्डर एरियाज वगैरह से घुसे, ऐसा आप लीगल तरीके से थे सऊदी अरेबिया में, आपके इकामे एक्सपायर हो गए वो अलग बात है, कफील को बोले कंपनी को बोले या अपनी जेब से भाई जैसा भी होता है अपने इकामे लगाएं, यही आपके लिए बेस्ट है।